1. Happy New Year, everyone! Wishing you and your family good health, happiness, success, and prosperity in the coming year. Have a great start to a great year. All the best. नव वर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को आने वाले वर्ष में अच्छे स्वास्थ्य, ढेर सारी सफलता और समृद्धि मिले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ड कलेक्शन। होप यू ऑल आर गुड। आई एम संस्कृति एंड आई नो आपने नए साल का वेलकम पूरी जोरों शोरों के साथ बहुत अच्छे से किया होगा, इवन मैंने भी। तो फाइनली न्यू ईयर आ गया है और हम सभी जानते हैं पेंडेमिक के कारण 2020 ईयर हम सभी के लिए बहुत डिफिकल्टी भरा रहा है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से हमारे स्वास्थ्य, रोजगार और हमारे पूरे जीवन पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है। लेकिन जैसा कि हम सभी को इन फैक्ट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमें गुजरे साल के साथ बुरी यादों और गलतियों को छोड़ देना चाहिए। ईयर 2021 को हम सभी को पॉजिटिव एंड खुश रहना चाहिए अपने ड्रीम्स और अचीवमेंट्स को पाने के लिए, फ्यूचर में आगे बढ़ने की और कड़ी मेहनत करने के लिए नेगेटिव टाइम को इफेक्ट नहीं होने देने की रेजोल्यूशन लेना चाहिए। फाइनली सो न्यू ईयर आ गया है, तो न्यू ईयर रिलेटेड न्यू वर्ड्स तो सीखना बनता है ना, और हम लास्ट में सीखेंगे हाउ टू विश एंड रिप्लाई। सो वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वर्ड है हमारा वाओ। वाओ प्रण, अ सीरियस प्रॉमिस टू डू समथिंग और टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। मतलब प्रॉमिस करना किसी काम के लिए अपने आप से कि मैं यह काम हमेशा करूँगा। जैसे मैं इंग्लिश सीखने का प्रण ले रहा हूँ, मैं इस साल से 5 words डेली सीखूँगा। आई वाउ डेट आई विल लर्न 5 words डेली। नेक्स्ट है काउंट डाउन। काउंट डाउन उल्टी गिनती शुरू करना। द पीरियड ऑफ टाइम बिफोर एन इम्पॉर्टेंट और स्पेशल इवेंट। मतलब जब कोई स्पेशल टाइम या स्पेशल इवेंट आने वाला होता है, तो जैसे न्यू ईयर या बर्थडे, तो हम लोग उल्टी गिनती शुरू करते हैं ना किसी को विश करने से पहले, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में किया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन जश्न, समारोह, टू डू समथिंग स्पेशल और इन्जॉयबल फॉर एन इम्पॉर्टेंट इवेंट ओकेजन होल्डिंग ETC। कुछ स्पेशल और इन्जॉयबल करना, सेलिब्रेट करना, मजा करना, खुशी मनाना, जैसे न्यू ईयर और फेस्टिवल आने पर हम लोग करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फायरवर्क्स। फायरवर्क्स आतिशबाजी, अ स्मॉल डिवाइस डेट एक्सप्लोर्स टू मेक अ डिस्प्ले ऑफ लाइट एंड नॉइज। मतलब पटाखे छोड़ना, रोशन दौर और जगमगाहट लाना। नेक्स्ट है रिंग इन द न्यू ईयर। ये एक तरह का idiom है, इसका मतलब होता है नए साल की शुरुआत, मतलब नए साल की शुरुआत को मनाना। द एक्सप्रेशन रिंग इन द न्यू ईयर्स मीन्स टू सेलिब्रेट द बिगनिंग ऑफ द न्यू ईयर। जैसे हम किसी को बोलेंगे हाउ आर यू रिंगिंग इन द न्यू ईयर, मतलब आप नए साल को किस तरह या कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो। नेक्स्ट है अ स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, जब रात के 12 बजते हैं। When the clock strikes 12 means कि जैसे 31st की रात को 12 बजते हैं, तो हम लोग बोलते हैं stroke of midnight। Next है New Year's Eve। Eve यहाँ पर evening का short form है, मतलब साल का आखिरी दिन। The last day of the year in the modern western calendar, 31st December means कि New Year की शाम, मतलब 31st की शाम को हम लोग बोलेंगे New Year's Eve। जैसे हम बोलेंगे How are you celebrating New Year's Eve, मतलब आप New Year की शाम को किस तरह और कैसे celebrate कर रहे हैं। Next word है Resolution। Resolution मतलब निर्णय, संकल्प, जो आप अपने पूरे साल follow करेंगे। A firm decision to do or not to do something, मतलब ऐसा निर्णय लेना कि जो मैं यह काम करने वाला हूँ और यह काम नहीं करने वाला हूँ। जैसे आई मेड अ रिजोल्यूशन डैट नेवर डू इट अगेन, मैंने यह रिजोल्यूशन लिया कि मैं यह काम कभी नहीं करूँगा। अब हम सीखने वाले हैं कि न्यू ईयर को डिफरेंट तरीके से कैसे विश करते हैं। पहला है हैव अ वंडरफुल ईयर। हैव अ वंडरफुल ईयर मतलब आपकी यह साल पूरी तरह से मस्त रहे, स्वस्थ रहे। और साथ ही साथ आप हैप्पी न्यू ईयर भी बोल सकते हैं, मतलब हैव अ वंडरफुल ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। नेक्स्ट मे यू हैव अ ब्लेस्ड न्यू ईयर, मतलब आपकी यह साल पूरी तरह से खुशहाल रहे, पूरी तरह से खुशियों से भरा रहे। नेक्स्ट है आई विश यू अ जॉयफुल ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, मतलब मैं विश करता हूँ कि आपका यह साल मज़ेदार और एनर्जेटिक रहे। नेक्स्ट हैव अ न्यू ईयर फिल्ड विथ हैप्पीनेस, मतलब आपका यह साल पूरी तरह से खुशियों से भरा रहे, मैं ऐसा इच्छा करता हूँ, मैं ऐसा विश करता हूँ। नेक्स्ट है आई होप द न्यू ईयर इज़ योर बेस्ट ईयर एट,
मतलब मैं आशा रखता हूँ कि आपका यह साल हर साल के मुताबिक इस साल बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहे। नेक्स्ट है विशिंग यू आर हेल्दी एंड हैप्पी न्यू ईयर, मतलब मैं ऐसा विश करता हूँ कि आपका यह न्यू ईयर हेल्दी रहे, मतलब बीमारियों से दूर रहे। नेक्स्ट है मे दिस ईयर ब्रिंग न्यू हैप्पीनेस, न्यू जॉय, न्यू गोल्स, न्यू अचीवमेंट्स एंड मेनी मोर, मीन्स कि मैं आशा करता हूँ कि आपका यह साल नई खुशियाँ, नए मज़े, नए उद्देश्य, नए ड्रीम्स, नए और बहुत सारी चीज़ें लाए। नेक्स्ट है आई एम प्रेइंग डैट यू एंड योर फैमिली हैव अ सेफ एंड हैप्पी ईयर टू कम, मतलब मैं ऐसा विश करता हूँ कि आपको और आपके फैमिली को आने वाला साल नई खुशियाँ और सुरक्षित जीवन दे। अब हम सीखेंगे कि जब आपको कोई न्यू ईयर विश करता है तो आपको कैसे रिप्लाई देना चाहिए। फर्स्ट है थैंक्स एंड सेम टू यू, जब आपको कोई न्यू ईयर विश करता है तो आपको बोलना चाहिए थैंक्स एंड सेम टू यू, मतलब धन्यवाद, आपको भी न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। नेक्स्ट है विश यू सेम, जब आपको कोई हैप्पी न्यू ईयर विश करता है तो आपको बोलना चाहिए विश यू सेम, मतलब आपको भी न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। नेक्स्ट है आई विश द बेस्ट टू यू टू, मतलब आपका यह साल आपके लिए बहुत बेहतरीन रहे। नेक्स्ट जब आपको कोई विश करे तो आपको बोलना चाहिए हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू, थैंक यू फॉर योर विशेज, मतलब आपको भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड धन्यवाद विश करने के लिए। नेक्स्ट आई होप योर ईयर वाज एज ग्रेट एज माइन, मतलब जब आपको कोई विश करे तो आपको बोलना चाहिए आपका भी यह साल मेरे तरह बहुत ही महान और ग्रेट रहा आपके लिए। नेक्स्ट आई होप दिस ईयर कम्स विद अ फ्रेश स्टार्ट, हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू, मतलब मैं आशा करता हूँ कि आपका यह साल नई शुरुआत लेकर आए आपके जीवन में और आपको भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो मेक श्योर कि आप इन सारे सेंटेंसेस एंड वोकेबुलरी को नोट डाउन करके प्रैक्टिस करें ताकि आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो सके और आप सभी को यूनिक तरीके से हर साल न्यू ईयर विश कर सकें। और आपके पास इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर ले ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो एंड मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहने के लिए। बाय एवरीवन एंड हैप्पी न्यू ईयर।